हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टेक्नो की क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए एमएस वर्ड के अंदर आज हम एडिटिंग टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर फाइंड करना, कि किसी भी चीज को खोजना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टी लिखा। ठीक है, टी में हमने यहाँ पर मैच केस कर दिया और यहाँ से रीडिंग व्यू में मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ टी पे क्लिक किया तो पूरा जितने भी लेटर्स में टी लिखे वो सारे शो कर रहे। क्लियर आ गया। दोबारा मैंने यहीं पर इसको डी लिख दिया। अब मैच केस हटाकर फाइन होल वर्ल्ड कर लेते हैं। मतलब पहले एक था, अब पूरा करेक्टर बन गया। यहाँ जाके जैसे हाईलाइट करेंगे तो जहां जहां दी है वो टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर, यहां से अपना हटा लेते। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेस करते कि मैंने कहा कि दी को आप लोगों ने चेंज करना है। किस में? मैंने यहाँ पर लिखा हरियाणा। क्या लिखा? हरियाणा। और चेंजमेंट चाहती हूँ कि दी है जहां क्या आए, हरियाणा आए, फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाके आपने सबसे पहले उसका कलर चेंज कर देना है और यहां से साइज चेंज कर देना है 20 तक। डन। अब यहीं से उसको क्या करना है, रिप्लेस टू ऑल। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करके देखोगे तो हमारे पूरे पैरे पर जहां जहां दी थी वहां क्या हो गया, हरियाणा चेंज हो गया। उसके बाद क्या करा है, गो टू। गो टू में अब ऐसी कोई चीज तो है नहीं, पेज वगैरह, तो हमने लाइन ली। लाइन में मैंने कहा कि सिक्स नंबर वाली, सिक्स फाइव जो भी है नंबर डाल दो और गो टू कर दो, तो वहीं पर ही हमारा पॉइंटर क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से फाइंड, रिप्लेस और गो टू। अब हम करते हैं सेलेक्ट। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सारी चीजें क्या हो गई भाई, सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अगला क्या करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, इंसर्ट में जाना है आप लोगों ने और शेप पर जाकर कोई भी टॉपिक यहाँ पर आप ले इंसर्ट कर देना शेप को। ठीक है, कंट्रोल से इसको क्या करना है, कॉपी करना है। अब हमारे पास ये शेप हो गई, यहां जाना है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करना है और ऐसे सेलेक्ट करना है। एक साथ सभी शेप को क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देगा। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो आप कि जितनी भी ये है फॉर्मेटिंग सारी सेलेक्ट हो जाए। हमने एक सेलेक्ट कर लिया, दोबारा सेलेक्ट में जाके क्या कहेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर, तो जितने भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए फाइंड रिप्लेस का थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने मैच केस और होल वर्ड तो कर लिया, अब इस पे हम फाइंड में यूज करेंगे यूज बाय का। क्या करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पर ऐसा लेटर दिया जो एच से शुरू हो रहा, बीच में आप कुछ भी डालो और लास्ट ए पे खत्म। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैंने इस करेक्टर को दिया कि सिर्फ ये करेक्टर क्या हो, हाईलाइट हो। डाल दिया वाइल्ड कार्ड में, मैंने एच से दिया है, नोट हरियाणा, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी उठा सकता है। यहां जाना और सेलेक्ट हुआ, देखो यहां तक भी उठाया है और पूरा भी उठाया है इसने, क्योंकि यहाँ पर भी एच है, स्पेस ले लिया इसने यहाँ पर। डन, समझ में आया वाइल्ड कार्ड का यूज क्या होता है। यहाँ से इसको क्लियर ऑल कर लें। ठीक है, हटा दे। साउंड लाइक, मतलब ऐसे शब्द बताने हैं आपने जो बोलने में सेम आते हो। ठीक है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं एक शेप को।
अब यहां पर मैंने मान लो भाई कंप्यूटर लिखा, डन। अब मैंने यहां से करेक्टर चेंज कर दिया। क्या करेक्टर चेंज किए मैंने, इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ए कर दिया और सेम नीचे वाले में मैंने हटा के ई कर दिया, ना कि स्पेलिंग चेंज है ना। दोबारा से आपने क्या करना है, फाइंड में जाना है। कहां जाना है, फाइंड में, साउंड लाइक, वाइल्ड को हटा देना, साउंड लाइक मतलब ऐसे शब्द खोजने में जो बोलने में क्या हो, सेम हो। टेस्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर को। अब जैसे ही मैं यहाँ जाके हाईलाइट करती हूँ तो ओ और ए को क्या कर देता है, सेलेक्ट कर देता है, ई को नहीं करेगा। क्या है, बोलने में सेम वर्ड यूज होते हैं, हटा देते हैं इनको। क्लियर टू ऑल, फाइंड द ऑल वर्ड फॉर्म, ये वर्ड में फॉर्म यूज होती है, वहां पर यूज होता है, इसको हटा देते हैं। अब अगला क्या कह रहा है भाई, मैच फ्रिज, मतलब ऐसा लेटर लिखो जो फर्स्ट मान लो अपने सी डाल दिया कि कहीं पर भी सी हो तो वो हाईलाइट हो जाए, तो यही से जाके हाईलाइट करें। तो जहां जहां लेटर के फर्स्ट में सी आएगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट, ठीक है। यहां से हम हटा देते हैं, अगला टॉपिक करते हैं सरफेस। इसमें क्या करना है, आपने जो भी लेटर लिया है, मान लो मैंने लास्ट में एस लिख देखना है, यहाँ जाना है हाईलाइट वाला, तो जहां जहां आपके एंड में एस आएंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, शो करके दिखाएंगे, डन है। हटा सकते हैं आप यहाँ से, क्लियर टू ऑल। अगला क्या कह रहा है, इग्नोर पंचिस और वाइट स्पेस, पंचिस मतलब करेक्टर्स को लेके आना। अब यहाँ पर मैंने दो स्टार डाल दिए, ठीक है, ओके बाद, और इस करेक्टर में मैंने दो बार स्पेस कर दिया। दोबारा से फाइंड में चलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ से, इग्नोर पंचिस करेक्टर, किस करेक्टर को करना है भाई, पहले पेस्ट कर देते हैं हम। क्या डाले भाई इसने, भाई इसने दो पंचिस करेक्टर डाले, ठीक है। तो यहाँ से दिखाई देगा कि वो कौन सा लेटर यहाँ पर शो कर रहा है कि जिसमें ये करेक्टर्स आ रहे हैं, ओके, नॉर्मल कर लेते हैं। अगला है वाइट स्पेस, मतलब हमने यहाँ पर क्या देने हैं, स्पेस देना है, करेक्टर सही डालना, दो बार स्पेस कर दिया वाइट स्पेस पे और यहाँ पर क्लिक करके ऑल, तो जिसमें भी स्पेस आएगा वो लेटर यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। यहाँ से आप हटा सकते हो, क्लियर टू ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा एडिटिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा, हमने बेसिक से एडवांस तक आपको ये टॉपिक करवाया है। तो प्लीज टेक्नो की क्लास में बने रहिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।